हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम थोड़ा काम था तो निकले थे बाहर, काम हमारा ख़त्म हो गया, तब सोचा कि चलो व्लॉग शूट करते। तो बस व्लॉग स्टार्ट किया, खाना खाया और बस जा रहे हैं वापस घर पे। और क्या बोलूँ, पहले सोचा ही नहीं व्लॉग का, अब सोचा तो अभी व्लॉग कर रही हूँ। हमें अभी फ़िलहाल भुज में, तो पीछे पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ दिखाऊं मैं आपको भुज में। तो क्यों रोड है, समझे कौन है तुम? के कहाँ पे हैं हम ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा रोड है? वो होता हुआ है ना कौन जगह से, याद ना तो है मुझे, हटा नहीं, बस स्टेशन रहना है तो। हाँ याद आयो, इस साइड से बस स्टेशन पे जाते हैं और ये यहाँ पे मेन हमारा हाईवे निकलेगा। बस हाईवे चढ़ेंगे और निकल जाएंगे घर के लिए। तो जी आके मैंने नहीं, कल हम शाम को आए थे 4 बजे, खुद से लौटे, उसके बाद मैं सो गई थी, उसके बाद कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया, अधूरा जो ब्लॉग था उसका एंड किया। सुबह भी सिलाई की थी, कल भी शाम को सिलाई की। आके मैंने खाना बनाया, खाने में बनाया कढ़ी मैंने, तो कढ़ी और रोटी अभी बनाई। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए और खाना मेरा वहाँ पे पड़ा है धूप में, तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। और बज रहे हैं 2, बस 2 बजने वाले हैं, तो मैं खाना खा के फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से जाऊँगी क्लास में। तो हेलो जी, आज है संडे और संडे को तो लेट ही उठना होता है क्योंकि एक दिन तो मिलता है आराम के लिए, तो मैं लेट उठी हूँ और बस चाय बनाई है, चाय पिए, बाकी सारे काम पड़े हैं। और अनिल गए मुंद्रा, थोड़ा सा काम था इसके लिए और मुझे सारे काम करने, तो मैं बैठी थी बस ऐसे ही लेट रही थी और कुछ सूझ नहीं रहा था। ठंडी बहुत ज़्यादा है और बर्तन भी करने हैं, लेकिन सोच रही हूँ कैसे करूँ क्योंकि अभी है ना दोपहर के 12:45 बज रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल इतनी है ही नहीं जो होनी चाहिए, ऐसी धूप नहीं है। तो अभी भी है ना ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है और आवाज़ भी मेरा थोड़ा सा ऐसे बैठ गया है। तो बस काम करने हैं और आलस बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं नहाई भी नहीं हूँ, अब नहाऊँगी, नहीं तो ऐसे सुबह नहाना हो जाता है ना तो फ्रेश फ्रेश फील होता है। आज संडे है, उठी भी मैं 11:30 बजे हूँ, फिर अनिल को भी भूख लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश होके सीधा मैं किचन में चाय बनाने चली गई थी, नहाई नहीं थी। अब सोच रही हूँ अब नहा लूँगी और पहले मैं बाकी के सारे काम करूँगी, बाद में नहाऊँगी, तो ऐसा कुछ है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ सूझ भी नहीं रहा कि कहाँ से काम स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें, लेकिन काम तो करना पड़ता है, संडे है तो आज तो काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा काम करने को। तो बस मैं जल्दी से कर लेती हूँ काम और व्लॉग 3 दिन से हमारा चल रहा है क्योंकि कल भी है ना ऐसे ही हो रहा था और कुछ सूझ ही नहीं रहा व्लॉग में, रोज़ रोज़ एक ही क्या दिखाऊं, क्योंकि क्लास में जाती हूँ ना तो कुछ ऐसा सूझ भी नहीं रहता कि ये बनाऊं या फिर ये ऐसा व्लॉग बनाऊं या कुछ भी ऐसे सूझता नहीं है, तो रोज़ का सेम व्लॉग हो जाता है। इसकी वजह से फिर मुझे भी ऐसा होता है कि सेम ही व्लॉग बनाऊँ या क्या। और आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करना। और अभी तो मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग में हो पाऊँ, लेकिन सब साथ में काम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है लेकिन मज़ा भी बहुत है। तो चलो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
संडे, इसकी वजह से सब लेट लेट हो रहा है, लेट उठे थे तो चाय नाश्ता भी लेट किया, तो अभी है ना 2 बज रहे हैं और खाने की सारी तैयारियां चल रही है। सलाद मैंने काट दिया है, यहाँ पे रख दिया। अब मैं सब्जी को तड़का लगाऊंगी, इसमें मसाला जो थोड़ा सा अनिल ने बनाया है कूटा है, थोड़ा सा मैंने कूटा। और अनिल क्या कर रहे हैं दिखाऊं आपको, अनिल यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। अनिल बोले कि आज मैं रोटी बनाऊंगा, तो आटा खुद से लगाया और रोटी भी खुद से बना रहे। तो मैं सिर्फ सब्जी में तड़का लगाऊंगी, सब्जी काटी। और देखो छुट्टी है तो हम दोनों की छुट्टी है ना, तो हम दोनों को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। अच्छी बना रहे हैं रोटी, सेकूंगी मैं, बना नहीं रहे हैं। तो चलो मैं सब्जी में तड़का लगा लूँ, खाना खा लें, फिर नहाना भी है धूप में। कब से ऐसे सोच रही हूँ नहा लूँ लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं तड़का लगा लूँ और फिर बाकी काम देखते हैं क्या हो रहे हैं। बाल भी देखो कैसे हो गए हैं मेरे। सो गई थी और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी, नहा के बाहर से उतने सारे कपड़े उतार के लेके आई। तो वो कपड़े कल धोए थे तो आज पूरे सूख गए थे। सामने की साइड जल्दी सूखते नहीं है, इधर इतनी धूप नहीं आती। अब मैं सोच रही हूँ बाल बना लूँ उसके बाद चाय बनाऊँ। तो वैसे तो मैं अकेले के लिए चाय नहीं बनाती, लेकिन अनिल आज है घर पर तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँ। और स्किन भी ऐसी खिंच रही है ना कि आई हूँ, कोई लोशन वोशन नहीं लगाया, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ लगाऊँ फेस पे और फिर देखते हैं क्या काम करते हैं। सिलाई भी करनी है तो सोच रही हूँ सिलाई भी कर लूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। आजकल बहुत कंफ्यूज रहती हूँ ना मैं, कौन सा काम कब स्टार्ट करूँ, कुछ भी नक्की नहीं रहता इसके लिए। तो चलो पहले तो मैं अपना हुलिया ठीक कर लूँ, बाल ठीक कर लूँ, उसके बाद आगे का काम देखते हैं क्या करते हैं।